आमतौर पर मंदिरों में पुरुष पुजारी होते हैं, हालांकि कहीं कहीं पर महिलाएं भी पुजारी का काम करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी रोबोट को पुजारी का काम करते हुए देखा है? जी हाँ, जापान में एक 400 साल पुराने बौद्ध मंदिर में रोबोट को पुजारी नियुक्त किया गया है। जी हाँ, यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। एक मंदिर में वो भी पुजारी का काम कर रहा है, एक रोबोट। चलिए दोस्तों, इस खास मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस खास रोबोट का नाम है एंड्रॉइड कैनन, जिसे कोयोटा के कोदाई जी मंदिर में रखा गया है। यह रोबोट मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को दया और करुणा के बारे में सीख देता है। वहीं मंदिर के अन्य पुजारी इस काम में रोबोट की सहायता करते हैं। मंदिर में एक पुजारी टेनेशो गोटा का कहना है कि यह रोबोट कभी नहीं मरेगा, यह समय के साथ खुद को और विकसित करता जाएगा। वहीं इस रोबोट की खासियत ये है कि रोबोट से हमें उम्मीद है कि बदलते बौद्ध धर्म के अनुसार यह अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, ताकि लोगों को उनके सबसे कठिन मुसीबतों से दूर होने में मदद मिल सके। यहाँ तक कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो कांटा होता है वो होता है उसकी उम्र, लेकिन इस रोबोट की कोई उम्र नहीं है। यह आजीवन अपनी जिंदगी इस खास मंदिर में अब व्यतीत करेगा और धीरे धीरे इतिहास, भविष्य और वर्तमान को लेकर चलने वाला है ये खास रोबोट, जो ज्ञान का भंडार बताया जा रहा है। यहाँ तक कि धीरे धीरे ओझल होते जा रहे बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नियुक्त करने के लिए ये खास रोबोट यहाँ मंगवाया गया है। यह रोबोट पुजारी करीब 6 फीट लंबा है, जिसके हाथ, चेहरे और कंधे को बिल्कुल इंसानी त्वचा से मिलते जुलते सिलिकॉन से बनाया गया है। हालांकि देखने पर यह पता चलता है कि यह एक रोबोट है, लेकिन दोस्तों, जब आप इसके पास जाएंगे, इससे अपना दुख या दर्द या फिर अपना सुख प्रकट करेंगे, तो आपसे जब यह बात करना शुरू करेगा तो आपको भी यह एहसास होगा कि यह पूर्णतः एक पुजारी ही है। इस रोबोट को बनाने में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसे ओसाका विश्वविद्यालय के मशहूर रोबोटिक्स प्रोफेसर और जैन टेंपल मंदिर के सहयोग से बनाया गया है। यह रोबोट लोगों को क्रोध और अहंकार के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताता है, यानी कि जो लोगों के मन में क्रोध, गुस्सा आ जाता है या फिर ईगो ज्यादा हो जाता है, यह उन लोगों को ज्ञान देता है, जिससे धीरे धीरे वह अपने जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। दोस्तों, पूर्णता देखा जाए तो यह रोबोट किसी पुजारी से कम नहीं, इसीलिए इसको पुजारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और इसके पास ज्ञान का पूरा भंडार है, क्योंकि इसने अपने इतिहास, भविष्यकाल और साथ ही साथ वर्तमान को देखकर यह इंसान के बारे में बता पाता है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी जापान जाने का अवसर मिले तो इस खास मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा, जिसका पुजारी एक रोबोट है। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।